अरे तुम्हें पोस्टर में करना चाहिए ना यार, उल्टा जगह पे कर रहे हो कसीम भाई। अब तो मत शर्माओ यार, कहाँ शर्मा रहा हूँ यार। चलो गाना देखते फिर पोस्टर फोटो लेते हैं। आ जाएगा चालू तो करो। रोल रहा और इस सब में किस तरह का दोस्त है, मैं तो बांग्लादेशी हूं। हां जी बिल्कुल। किस तरह से सहयोग रहा है आपका? देखिए ऐसा है कि शुरू से ही सहयोग रहा है, क्योंकि कसीम को मैं बहुत पहले से जानता हूं, वेरी टैलेंटेड। और इनके साथ जो एक शख्सियत जुड़ी हुई जिसका नाम है दिनेश सोई, वो सोए हुए दिलों को जगाना जानता है, कभी बारिश के जरिए, कभी लल्ला लल्लो ही, और अब स्नोफॉल के जरिए। ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात पीयू की, तो शकीरा के नाम से जानी जाती है, बेहतरीन डांसर है, बेहतरीन परफॉर्मर है। मेरे दिल से दुआएं हैं कि मालिक कुफर वाला जो है इन दोनों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, क्योंकि जिंदगी जो है कुदरत का दिया एक अनमोल तोहफा है। और कसीम जिस तरह से मेहनत करते आ रहे हैं, मेरे साथ चलो पहला एल्बम किया था इन्होंने इससे पहले, वो भी
दिल से दुआएं दोनों कामयाब रहे। और अंदर के बाद टिल्लू सिर्फ इतना कहना चाह रही है भैये दिनेश भाई को ये मैसेज पहुंचा दियो, बहुत बड़ी चिरान है लेकिन टिल्लू से बड़ी चिरान नहीं है, अगली बार स्नोफॉल के बाद आना चाहिए नंबर स्काई का, वहां पर पहुंचना चाहिए क्योंकि स्काई इज लिमिट, नहीं तो टिल्लू एक एक गुर्दे छील लेगा। बहुत शर्मिला है हमारे हीरो, तो क्या कहने किस तरह से कॉम्बिनेशन कर पाते हैं ये शर्मिला, सामने से अभी देखा ना कैसे गले लगा रही है दशगीरा, वो कसम खा के कह रही हूँ गुर्दे पकड़ के लटकने वाला था, वो तो डायरेक्टर ने कट बोल दिया। तो पहले ऐसा कुछ मतलब आपको शूटिंग पे लगा कि एक किसिंग सीन था ऐसा धीरे धीरे आए, मतलब वो करने में कितना डरते हुए, वो एक्चुअली शादीशुदा इंसान है ना, जहर में कहीं ना कहीं बेगम साहिबा भी घूमती रहती होंगी, कहीं घर जाके गुर्दे ना छिल जाए, तो ये लब जो है आगे बढ़ने से पहले एक जुम्बिश में रहते होंगे मुझे ऐसा लगता है। टिल्लू जी आपको गाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा और दिल से दुआएं हैं, और आधा समझ में आया आधा नहीं आया, लेकिन जितना भी समझ में आया बहुत अच्छा समझ में आया और लगा कि गाना है। बिल्कुल कहना चाहूंगा बहुत बहुत मुबारकबाद, और पिछले उन्होंने मैंने कई बार देखा है लल्ला लॉरी और एक और इंग्लिश वाला था मैं ना बोल रहा हूँ, वो बहुत हिट हुआ था इनका, तो बहुत पहले से जानता हूँ दिनेश भाई को, बेहतरीन इंसान है और उनके अंदर डायरेक्शन मैं समझता हूँ, देखना आप ये आज सब बैठे हुए हैं आने वाले टाइम में देखिएगा उनके जरिए ना सिर्फ एल्बम बल्कि शॉर्ट फिल्म बहुत कुछ उनके डायरेक्शन के जरिए निकलने वाली। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी, आपका एल्बम ये कितना मतलब आपको ये कितना नंबर का एल्बम है? पहले नमस्कार सभी को। स्नोफॉल एक बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा टाइटल है ये, और लाइक यू नो दिनेश सर ने इसको बहुत अच्छे से इसकी जो स्क्रिप्ट है इसकी जो स्टोरी लाइन है इसको बहुत अच्छे से इसको प्ले किया है, और इसके जो सिंगर हैं मिस्टर उत्कर्ष सक्सेना इन्होंने अपनी बहुत ही मेलोडी वॉइस दी है, तो इट्स अमेजिंग। और दिनेश ने लाइक यू नो सर ने हमें पूरा उसका जो ब्रेकडाउन किया था स्टार्टिंग में कि हमें इस तरीके से ये चीज़ दिखानी है, और ये इतने टैलेंटेड डायरेक्टर हैं कि इनका सारा सेट पे सारी जो उनके कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे क्लियर थे, तो हमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इट्स लाइक स्नोफॉल इट्स मेलोडी एंड रोमांटिक सॉन्ग, और आई होप कि आप सभी को ये पसंद आए। टुडे आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि आज मेरा स्नोफॉल सॉन्ग रिलीज हुआ, और मेरे अभी तक तो व्यूज अच्छे हैं और अच्छा ही होगा अभी पॉजिटिव। अब बताओ मेरे को तो शूट करके दिनेश सर के साथ बहुत अच्छा लगा, और शायद से ऐसे ही वो आगे भी शूट करेंगे मेरे साथ, मैं पसंद भी आया मैंने काम किया बहुत अच्छा लगा। तो आपको इस बार शूटिंग में किस तरह का मतलब अनुभव रहा? इस बार शूटिंग में एक जब खुला क्या नहीं किसी एक अच्छे और टेक्नीशियन तरीके से जो काम करने वाले हैं उनके साथ अगर कोई काम करता है तो खुद से बॉडी दिखाता है अंदर, वो मेरे को आया है और मैं चाहता हूँ कि और इससे भी अच्छा काम करूँ। कसीम इससे पहले और कौन से गाना कर चुके हैं? मैं बेकार माई सबसे पहला सॉन्ग था मेरा, उसके बाद सेकंड मैंने ट्रांस फिल्म के साथ किया था, थर्ड श्रेया के साथ किया था मेरे साथ चलो, उसके बाद अभी फोर्थ में स्नोफॉल। अभी आने वाले क्या प्लान है को और आने वाले में मेरी दो वेब सीरीज शूट हुई हैं जो शायद नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, हो चुकी है, और फाइनली एक नया गाना भी रेडी है। तो आपके जो भी गाना आते हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़के ढूंढ के लाते हैं, कहाँ से लाते हो? मैं कहाँ ढूंढ के लाता हूँ सर, ये वीडियो आपकी वाइफ मतलब मेरी भाभी नहीं देख रही है, सब के लिए बताओ कहाँ से ढूंढ के लाते हो? ऐसा है कि एक शेर से मैं डायरेक्टर को बुला लेता हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह आपसे रुख्सती चाहता हूँ। दिनेश भाई के लिए कहना चाहता हूँ कि नशे मन पर नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेदार हो जाए। दिनेश भाई आइए और इंशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक, हमारे हर जगह पे मौजूद रहते हैं, कादिया आपकी मोहब्बत है भाई, आप मैं हमेशा साथ में रहूंगा ऊपर भी रहूंगा। थैंक यू सर, आइए दिनेश आइए। टिल्लू भाई और मेरा इंस्टा वेरीफाई हो गया 4 दिन के अंदर, मुझे यकीन भी नहीं था कि मेरा हो जाएगा, तो मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, और इसका ज़्यादातर जो इंस्टा मेरा वेरीफाई हुआ है उसकी टेक्निकल टीम के पीछे खड़ी है श्रेया कुलकर्णी, इनकी टीम ने मेरा किया है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे अच्छी टीम दी और उनकी वजह से मेरा हो गया। पता ही इस गाने के बारे में, इस गाने को शूटिंग कहाँ की है जैसे इंजा बताया? हमने ये गाना शूट किया है मलार में, हम इस गाने का प्लान करते थे लॉकडाउन के दौरान कि हम इसे घर में शूट करेंगे, और हमने कुछ
मेहरबान कोरियोग्राफर, तो वो गाना प्लान किया। देन फिर कास्टिंग पीयू मिल गई, हू इज नोन एज शकीरा, जो बहुत ही डांसर भी है। अभी तो इस गाने में मूव्स हमने नहीं किए, तो हमने गाना घर में शूट किया है और एक घर के सेटअप ऐसा था, सोफा आप देख रहे हो, बाथ में देख रहे हो, शूट अच्छा निकला है, बहुत एक्टर अच्छे थे लगने रहा हूँ। अभी घर के अंदर शूट है, दिस इज वन इंटीरियर घर। म्यूजिक वाला क्या करना है? इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, मेरे को इसका म्यूजिक मेरी टीम ने दिया है। इन्होंने म्यूजिक सुन के मतलब शायद से अब तक का सबसे खूबसूरत म्यूजिक बोला मुझसे कि यस। इसका बेसिक एक कंपोजिशन इसकी वर्ड में आई थी, देन वी क्रिएटेड अ म्यूजिक जिसमें आप नाम लिखिए टीम प्लेस पेशेंट। म्यूजिक बड़ा अच्छा है और मेन बात यह कि इंडिया में ना जो इंग्लिश गाने हैं उसकी ऑडियंस है। आप कोई मूवी देख लो, अवतार देख लो, कोई देख लो, जो इंग्लिश मूवीज है एवेंजर्स एंड ऑल, ये भी गुड लीजिए। तो इंग्लिश गाने जो हैं वो कम आ पा रहे हैं या कम आते हैं या लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, तो हमने सोचा कि लेट अस टेक दिस इनिशिएटिव। हमने गाना लेके आए और उसे प्यार मिल भी रहा है। मैंने कमेंट्स देखे हैं यहाँ पे पीयू के, तो फैन थे पता नहीं था, तो पीयू के कमेंट्स होते हैं या कुछ भी हो जाए तो पीपल आर वेटिंग कि यार कुछ चीज नहीं आए। इस गाने को एक और बात, इस गाने को दुबई में मेरे दोस्त हैं वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं, जिनका नाम बड़ी निराश दुबे, वो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। और एक टर्की में एक हमारी फैशन डिज़ाइनर है, वो चली गई थी, उन्होंने ड्रेस डिज़ाइन किया था, वो टर्की में अभी वो उर्तुगुल गाजी सीरियल है उसके लिए वर्क कर रही है, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। वो हमारी टीम से जुड़ी और दिनेश भाई ने उन्हें ऑफर दे दिया कि आप आइए, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा नाम है। चाहे वो सॉन्ग हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, आपको दिखाने का तरीका आना चाहिए, सिंपल। अगर आपने उसको लाइक इन जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर दिनेश सोई सर, उनको ये पता था कि उनको ऑडियंस को क्या दिखाना है, सिंपल, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली ब्रेक डाउन किया और हमें उस तरीके से ट्रेन किया कि हमें ये सीन में यही चाहिए। तो ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि लाइक ऑल टीम आर एंजॉयिंग और किसी ने कोई लाइक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। और लाइट मैन हो गया, स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, मेकअप आर्टिस्ट, एवरीवन, ऑल टीम वर्क, इसलिए हम लोग आज यहाँ हैं। और ये शूट सेम बहुत हाँ 7 घंटे का शूट है। और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, पीयू ने कहा कि ट्रेन किया, कोई भी किसी को एक दिन में ट्रेन नहीं कर सकता, शी इज वेरी गुड डांसर, वेरी गुड एक्ट्रेस। आप इनके स्पेशल देखो द वे जब ये कसीम भी जा रहे हैं, द लुक, द वे शी लुक्स, सो प्रोफेशनल कि एक एक्टर जो काम करता आ रहा है कर रहा है। और इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है, मूवीज किए हैं, शी इज वेरी मच बिजी इन द शोज, हमने कैसे डेट लिए, कैसे भी ऑन बोर्ड लेके आए, वी नो इट। मेटा पिक्स वाला आपसे है, स्नोफॉल रोमांटिक सॉन्ग है, सेट एक तरफ जहां रियल लाइफ में रोमांस प्यार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं रियल लाइफ में एक्ट्रेस या और आम लोग पहले तो प्यार कर रहे हैं, बाद में खुदकुशी या फिर मर्डर कर रहे हैं। देखिए जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका और इंटरेस्टिंग भी है। अभी आपने बताया जैसे हमने दिखाया स्नोफॉल, उसमें एक ब्रेकअप भी है और मैशअप भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने बोला मुझे कि सुसाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो चीज है कि आर्टिस्ट को अपना लाइक यू नो नेवर गिव अप। आप कभी सोचते हो कि ये मेरे पास है और कल ये मेरे पास क्यों नहीं है या फिर ये मुझे क्यों नहीं मिला, तो ये चीज एक्चुअली उसको डीमोटिवेट करती है, दैट रीजन आर्टिस्ट सुसाइड करता है, ना कि लाइक समथिंग। मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे, आप फिट है तो आप हिट है, आपकी सोच अच्छी है तो आप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ऑल फील्ड में कॉम्पिटिशन। अभी कोरियोग्राफर को लेकर आपने इस तरह का कोरियोग्राफी का सोचा? जब मैंने ये सॉन्ग सुना तो मुझे फर्स्ट टाइम सुनते ही बहुत अच्छा लगा था। ये सॉन्ग ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का था, एक इंडियन इंग्लिश वर्जन सॉन्ग था, तो मैंने सुनते ही इसे अप्रूव कर दिया था कि मुझे इसमें आगे करी गलत नहीं करवाऊंगा फॉर दिस सॉन्ग। मैंने पहले भी काफ़ी सॉन्ग किए हैं बट इसमें मेरा एक्सपीरियंस इट वॉज वेरी डिफरेंट। एंड मैं शूट के डे पे तो आई वॉज नॉट रेडी देयर, मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने पहले ही इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था कि क्या हो।
जब आपके पास सॉन्ग लिखे है गाने के लिए इसके लिए तो आपको इस तरह का इंटरेस्ट लगा कि भाई गाना बहुत अच्छा है? काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि ये मेरा पहला इंग्लिश सॉन्ग था। मैंने हिंदी सॉन्ग्स तो काफ़ी सारे गाए हैं लेकिन ये मेरा पहला था। सर ने बोला कि तुम्हें गाना है गाना, मैंने कहा ठीक है मैं इंग्लिश करता हूँ। फिर मैंने जब गाया तो सबको पसंद आया काफ़ी, फिर ये फाइनल हुआ तो फिर जाके शुरू हुआ। और कसीम भाई और पीयू जी ने बहुत अच्छा इसको किया है, काफ़ी अच्छा जो वीडियो क्रिएट हुआ है बहुत ही अच्छा और काफ़ी मज़ा आया गाना देखने में। मैडम क्या कहना चाहिएगा? आई हैव क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ दिस म्यूजिक वीडियो एंड यू नो लाइक एवरी गर्ल वांट्स द स्नो फॉलिंग हर लाइफ एंड दिस इन दिस स्टोरी अ गर्ल इज वेटिंग फॉर द स्नो फॉलिंग हर लाइफ सो शी इज इमेजिनिंग लाइक एवरी मोमेंट एवरी स्नो फॉल मोमेंट। थैंक यू। आई एम सर लगा ये गाना देखिए। देखिए क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट तैयार होता है, कोई भी गाना आता है तो लोग उस पर मेहनत करते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारा ये प्रोजेक्ट लोग पसंद करें और हम इस प्रोजेक्ट के जरिए आगे बढ़ें। तो कैसी मेहनत सारे लोगों ने मिलकर की है और अच्छा काम किया है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं कि ये गाना लोगों तक अच्छी तरीके से पहुँचे और जिन लोगों ने मेहनत की है उनको कामयाबी मिले। सर आपका कहना चाहेंगे? अब शुभकामनाएं है, शब्द लगों में शुभकामनाएं साथ में। अभी गाना देखा अच्छा लगा, अच्छा फिल्माया गया है। क्या उसमें कमी देखे, क्या कमी आप निकालने की, अगर कमी है देखिए 100% तो बनते नहीं। कमी निकालने की बात तो है कि दुनिया का कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कमी ना हो, लेकिन हमें वो देखना चाहिए कि उसकी मेहनत कैसी है और उसमें क्या हमें दिखाई देता है अच्छा। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिसमें कमी ना निकाली जा सके, पर मुझे तो अच्छा लगा। मैडम आपने पहले सॉन्ग में आप हीरोइन थी, इस सॉन्ग में आप एंकर बने, पैसे दिए कि नहीं आपको? नहीं बनाया गया, बताया था। आपको आपको जलन नहीं हुआ ये गाना देख के कि मैं कष्ट में हूँ उसमें? वो बताइए क्या कैसे आपको मतलब गाना कैसे आपके दिल में कर नहीं पाए थे शायद जो कर नहीं पाए वो क्या है। बहुत अच्छा गाना है, कांग्रेचुलेशंस स्टूडेंट। ठीक है थैंक यू। गाना किस तरह का मतलब लगा, क्या अच्छा लगा? तो हमेशा गाना अच्छा लगता क्योंकि जहाँ पीयू होती है चार चांद लग जाता है। पीयू और हैदर को काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ और पीयू इतनी बड़ी इंडियन शकीरा के नाम से मशहूर है और काफ़ी मैंने शोज किए गुजरात में जहाँ 25,000 का क्राउड था वहाँ पे एकदम टेरिफिक परफॉर्म किया था, तो उनके लिए एक बार तालियां और हो जाए। तो आज का ये जो इवेंट है और स्नोफॉल का जो हमने देखा बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट एंड सर आप कहना? मैं तो ये कला क्षेत्र जो है नए टैलेंट को प्रमोट करता है और दिनेश जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने गाना मुझे दिखाया, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने बोला मैं साथ में हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। और स्नोफॉल जैसे कि बॉम्बे में नहीं होती है तो इसलिए शायद इसको देख के कुछ यहाँ भी स्नोफॉल वाला माहौल बन जाए, पंजाब में है तो वहाँ से स्नोफॉल लेके आगे हैं उसको कुछ अच्छी बर्फ बर्फबारी करेंगे। ठीक है थैंक यू। के आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कुछ खास करने वाली है आप? जी एक्चुअली मैं साउथ का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मिस्टर श्रीनिवास राव एंड मिस्टर जी रवि कुमार का प्रोजेक्ट करने वाली हूँ। वो शूट होने वाला है हमारा इजिप्ट में और लाइक यू नो बॉलीवुड के 5 बड़े बड़े विलन हैं उसके अंदर, नाम डिस्क्लोज अभी नहीं करूँगी बट नेक्स्ट ईयर से ये हमारा फ्लोर पर चला जाएगा। This is a good for me and very good big opportunity. आप क्या कहना चाहोगे? और मैं कहना चाहूँगी कि सभी को thank you so much support के लिए और हमारे जो singer हैं कुलकर्ण सक्सेना, उनकी बहुत ही melody और बहुत ही relaxing voice है, तो सभी लोगों ने पसंद किया, मेरे सारे friends ने कि ये I think कोई British singer है but I said कि no ये Indian
सेम है और वेरी नाइस. एंड हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर राजेश कुमार और डायरेक्टर हैं मिस्टर दिनेश सोई, बोथ आर वेरी